धर्म की नगरी काशी में आयोजित 3 दिवसीय संस्कृति संसद का समापन रविवार को हुआ। इस समापन के बाद काशी के संतों ने 9 सूत्रीय एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है, जिस पर जो पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी सहमति जताएगी उसे संत अपना समर्थन देंगे। इस बात का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्र पुरी, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष जगत गुरु अविचल देवाचार्य, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आलोक कुमार और काशी विद्युत परिषद के प्रोफेसर रामनारायण ने स्वर में किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि देश में जितनी भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हें हम यह 9 सूत्री मांग का पत्रक सौंपेंगे। भारतीय संविधान की धारा 30 में संशोधन होना चाहिए। इस संबंध में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रवि पुरी ने बताया कि हमने 3 दिनों में देश भर के सभी प्रदेशों से आए 1500 संतों और महामंडलों एवं 127 संप्रदायों के प्रमुखों से व्यापक विचार विमर्श के बाद कोई भी शक्ति किसी भी दशा में समाज को विभाजित करने का कुचक नहीं रचे, इसलिए हमने 9 सूत्रीय हिंदू एजेंडा घोषित किया है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान की धारा 30 में संशोधन कर भारत के प्रत्येक संप्रदाय को शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने के समान अधिकार दिए जाएं। प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम निर्माण और संचालन स्वायत्तता अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि 9 सूत्रीय मांग में हमारी पहली मांग संविधान की धारा 30 में संशोधन की मांग है, दूसरी मांग वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त करने की मांग है। इस एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को घोषित करने का जो अधिकार है उसे वापस लिया जाए। संपत्ति का अधिकार जैसे अन्य संप्रदायों को है वैसे ही मुस्लिम संप्रदाय को भी मिले। इसके अलावा हमारी तीसरी बड़ी मांग है कि संघीय कानून बनाकर हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को वापस किया जाए। इन 9 सूत्रीय एजेंडे से राजनीतिक दलों को अवगत कराएंगे। 3 दिवसीय संस्कृति संसद में 1500 संतों महामंडलों एवं 127 संप्रदायों के प्रमुखों ने निम्न 9 सूत्रीय एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। भारत के समस्त राजनीतिक दल के लिए यह एजेंडा जारी कर रहे हैं। जो दल हिंदू समाज के इन मांगों का समर्थन करेगा उन्हीं दलों को हिंदू वोट करेगा। अच्छा, गुरु जी क्या क्या है ये 9 जो इसमें मुख्य जो है? 9 इसमें से आर्टिकल 30 जिसमें शिक्षा का अधिकार है, तो जो शिक्षा का अधिकार है हम ये नहीं कहते कि अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जाए, उतना ही अधिकार हमें भी चाहिए ये बात हमने कही है। हमने इसके साथ साथ जितने मुद्दे गिनाए हैं कि तीर्थाटन और पर्यटन, ये दोनों शब्द अलग हैं, टूरिज्म एंड तीर्थिज्म। तीर्थाटन का लक्ष्य मोक्ष है, पर्यटन का लक्ष्य मौज है। मौज करने के लिए होटल शराब सबकी ज़रूरत होती है और तीर्थ में लहसुन प्याज भी वर्जित है, इसलिए जो तीर्थ क्षेत्र है उसके लिए भारत सरकार को तीर्थाटन मंत्रालय अलग बनाना चाहिए। ये हमारी बहुत लंबित मांग है। दूसरे कि जो गैर भाजपा हो या भाजपा हो, देश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में नमाजी को, यहाँ तक कि वो बोलने वाले अजान कराने वाले को वेतन दे रहे हैं, तो क्या मंदिरों के पुजारी इतने गए गुजरे हैं कि जिनकी आजीविका सरकार नहीं दे सकती? तो सरकार को इन मंदिरों के पुजारियों की चिंता करनी ही पड़ेगी। इनके लिए तीर्थ पुरोहितों का, पुजारियों के लिए कोई न कोई प्राधिकरण बना के इनके वेतन की व्यवस्था जो दल करेगा हम उस दल का समर्थन करेंगे।